दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि जब हमारी कंपनी के द्वारा किसी कस्टमर को जब हम कोई कमीशन पे करते हैं, या सप्लायर्स को हमने इंटरेस्ट पे किया है, या किसी कॉन्ट्रैक्टर को हमने कॉन्ट्रैक्ट पे किया है, अगर जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे किया है उस पे जो भी हमने टीडीएस काटा है या टीसीएस काटा है, तो उस टीडीएस की अमाउंट को या टीसीएस की अमाउंट को ऑनलाइन हम गवर्नमेंट को किस प्रकार डिपॉजिट करवाते हैं और डिपॉजिट करवाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक नए अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे, तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए टैली सॉफ्टवेयर और विजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिकल वीडियो लाते रहते हैं, और इस प्रकार की टैक्सेशन की भी वीडियो हम कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हम टीडीएस की अमाउंट है जो कब कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे पास कोई कस्टमर है, हमने हमारे कस्टमर को कमीशन की अमाउंट पे करी है, और उसकी जो वैल्यू है कमीशन की, यानी कि अमाउंट है, वो 15,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हमें उस अमाउंट पर 5% का टीडीएस काटना होता है। या फिर अगर हमने हमारे सप्लायर्स को या फिर अनसिक्योर्ड लोन को हमने 5,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है, तो उस इंटरेस्ट की अमाउंट पर भी हमें 10% गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग टीडीएस काटना पड़ता है। तो दोस्तों, हम टीडीएस की और टीसीएस किस अमाउंट पे काटते हैं, इसके लिए हमने इस चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है जो टीडीएस या टीसीएस हमने हमारे कस्टमर से या सप्लायर से जो कलेक्ट किया है, उसे गवर्नमेंट को ऑनलाइन सही तरीके से डिपॉजिट कैसे करवाते हैं, यानी कि कौन सी वेबसाइट पे हमें जाना पड़ता है और उसके बाद में कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देखना, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाली है, एक विशेषकर नए अकाउंटेंट के लिए। तो दोस्तों, जब भी हम टीडीएस डिपॉजिट करवाते हैं, तो सबसे पहले हमारी कंपनी के पास एक 10 नंबर होता है। जो भी कंपनी टीडीएस काटने के लिए एलिजिबल होती है, तो उसके पास 10 नंबर भी जरूर होता है, वो 10 डिजिट का होता है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी वेबसाइट पर जाना हो, तो सभी वेबसाइट को मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक वेबसाइट होती है, टीसीएस है या फिर टीडीएस है या फिर इनकम टैक्स, किसी प्रकार का भी आप टैक्स डिपॉजिट करवा रहे हो इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो उसकी वेबसाइट आपको मिलेगी www.tin/nsdl.com। या फिर आप सिंपल गूगल को ओपन करोगे, और गूगल पे आप जाने के बाद तरीके से गूगल ओपन करेंगे, और गूगल पे जाके हम टीडीएस डिपॉजिट या टीसीएस डिपॉजिट ऑनलाइन इस तरीके का हम सर्च करेंगे। जैसे हम इंटर करके सर्च करेंगे, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे टिन एनएसडीएल की वेबसाइट भी टाइप कर सकते हो, तो आपको इस तरीके की एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा यहाँ पे www.tin/nsdl.com का। तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ई टी डी एस टी सी एस पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक इस तरीके की विंडो ओपन होगी। हम इसके लिए ऑनलाइन डिपॉजिट करवाने के लिए आपको यहाँ पे टैक्स ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, और उसके अंदर आपको क्लिक टू पे टैक्स ऑनलाइन इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने काफ़ी सारे ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले वाले कॉलम में आप देख रहे हो, इसमें केवल टीडीएस और टीसीएस आ रहा है, और उसके बाद में नॉन टीडीएस और टीसीएस के आपको ऑप्शन देखने मिलेंगे। इसके अंदर आप इनकम टैक्स का एडवांस टैक्स है, या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप जमा करवा सकते हो, सर टैक्स है, इस तरीके से आप चालान नंबर 282 के अंदर आप पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, स्टेट ड्यूटी है, वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, इस तरीके का आप टैक्स डिपॉजिट करवा सकते हो। या फिर चालान नंबर 283 के अंदर आप पेमेंट ऑफ बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन है, BCTT है, बेनिफिट टैक्स है। तो किसी भी प्रकार का अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई टैक्स डिपॉजिट करवाना हो, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू भी जमा करवा सकते हो। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं टीडीएस और टीसीएस की, तो हम इसके लिए जाएंगे इस प्रोसेस पे। तो जैसे हम प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने ये चलान का जो ऑप्शन है हमारे पास ने ओपन हो जाएंगे, भी चलान इसके अंदर आपको 281 का नजर आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, टैक्स एप्लीकेबल या फिर टैक्स डिटेक्टेड कलेक्टेड एट शोर्स फ्रॉम। तो यानी कि इसमें 2020 यानी कि कंपनी डिटेक्टिव, या फिर 2021 नॉन कंपनी डिटेक्टिव के लिए। तो दोस्तों, अगर आपकी कंपनी जो फर्म है वो कंपनी में रजिस्टर्ड है या फिर नॉन कंपनी में, वो आपको देखना। अगर आपकी नॉन कंपनी के अंडर में अगर आते हो, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा 2021 के फॉर्म पे, इस पर हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद में आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा टाइप ऑफ पेमेंट। तो
तो यानी कि आप जो TDS है, TCS पेबल बाई टैक्स पे रहे, या फिर आप TDS टैक्स रेगुलर असेसमेंट है, तो आपको इस पर इस कंडीशन में आपको भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो मेरी कंपनी है रजिस्टर्ड है वो 2W यानी कि TDS TCS पेबल बाई टैक्स पेयर में है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से असली खेल शुरू होता है, यहाँ से नेचर ऑफ पेमेंट में। तो दोस्तों आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा भी जो आपने TDS है या फिर TCS कलेक्ट किया है वो कौन से सेक्शन से कलेक्ट किया हुआ है। अब मान लीजिए आपने जो कलेक्शन जो TDS कलेक्ट किया हुआ है वो इंटरेस्ट पे किया, यानी कि अपने कस्टमर को सप्लायर को आपने 5,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट है जो पे किया था और उस पर आपने 10% का TDS कलेक्ट किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए भी इंटरेस्ट की जो सेक्शन होती है वो कौन सी होती है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए V194A का जो सेक्शन होता है वो इंटरेस्ट के लिए होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 94A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो इस तरीके से आपको सेक्शन का पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने किसी कमीशन पे या ब्रोकरेज पे TDS कलेक्ट किया हुआ है तो आपको 94H यानी कि कमीशन और ब्रोकरेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे TDS कलेक्ट किया तो 94C। तो यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट ये भी आपने जो TDS कलेक्ट किया है उसका सेक्शन क्या हुआ है। अगर आपने तीनों सेक्शन पे TDS कलेक्ट किया हुआ तो आपको तीन अलग अलग चलान है जो डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, आप एक साथ तीनों को नहीं जमा करा सकते। तो अगर आपको TDS है, इसके अलावा अगर आप TCS भी जमा करा रहे हो तो TCS की सेक्शन भी आपको इसी लिस्ट के अंदर शो हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको सर्च करके उसको चलान को सेलेक्ट आप कर सकते हो नेचर ऑफ पेमेंट में। तो अब जैसा कि मेरा 94H कमीशन के अगर पर मैंने काटा है तो मैं यहाँ से 94H को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद में यहाँ पर आएगा मोड ऑफ कंपनी नेट बैंकिंग। अब जो पेमेंट रहेगा, अब आपने नेट बैंकिंग है या फिर आप डेबिट कार्ड के थ्रू करवा रहे हो तो वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं नेट बैंकिंग यूज़ करता हूँ तो मैं नेट बैंकिंग यूज़ करूँगा, और नेट बैंकिंग में कौन सा बैंक है, जैसे मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको सेलेक्ट करूँगा। और उसके बाद में यहाँ से आपसे पूछेगा टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर यानी कि आपका 10 नंबर। तो आपको अपनी कंपनी में जो 10 नंबर आपके पास है उस 10 नंबर को यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, और उसके बाद में आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहां पर आपको बहुत ही केयरफुली के साथ ये असेसमेंट सेलेक्ट करना है भी आपने जो TDS कलेक्ट किया वो कौन से ईयर का है। अब मान लीजिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 का आपने कोई TDS काटा है, या फिर जैसे 2020-21 के मार्च मंथ का आपने TDS है जो कलेक्ट किया हुआ है, तो उसका असेसमेंट आपको 2021 यानी कि 2021-22 सेलेक्ट करना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर जस्ट 1 ईयर का आगे वाला होता है, तो 21-22 रहेगा। और उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन है जिसके आगे जो भी स्टार जो लगे हुए हैं वो सारे आपको मैंडेटरी है, सभी को इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी पड़ेगी जिसके आगे स्टार है, बाकी सब ऑप्शनल है। फीडिंग करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसे ब्लैंक भी रख सकते हो। तो मेरे को यहाँ पर रखना पड़ेगा, जो मेरी सिटी का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पर, स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में यहाँ से पोस्टल कोड आपका यानी कि पिन कोड, और उसके बाद में आपके कैप्चा कोड यहाँ से पूछेगा तो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा और उसको प्रोसेस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो एक बार ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें पूछेगा भी आप जो भी सेक्शन करा रहे हो तो आप इसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लें भी टैक्स एप्लीकेबल आपका वो 0021 है, टाइप ऑफ पेमेंट है वो 200 का चलान है, नेचर ऑफ पेमेंट आप जो डिपॉजिट करवा रहे हो वो 94H पे यानी कि कमीशन पे आप TDS जमा करा रहे हो, तो ये एक बार आपको वेरीफाई के लिए बोलेगा। तो अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है तो आप इसको आई एग्री पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद में सबमिट टू बैंक। जैसे हम सबमिट टू बैंक पे जाएंगे तो हमारे सामने ये जिस जो भी बैंक हमने सेलेक्ट किया था उसका वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हम इसमें इंटरनेट बैंकिंग करेंगे, आप जो भी देख सकते हो आपके पास कॉर्पोरेट ऑप्शन आ सकता है कॉर्पोरेट बैंकिंग का या फिर इंटरनेट बैंकिंग का, तो इसका हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद हम आ जाएंगे हमारी SBI की ऑनलाइन नेट बैंकिंग पे। हम यहाँ पे हमारा जो यूज़र नेम है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद में हम पासवर्ड टाइप करेंगे, और इसके हम लॉगिन करेंगे। तो जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हम हमारे इस बैंक के अंदर एंटर हो जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर हमें इस टैक्स इन्फॉर्मेशन की डिटेल यहाँ पर देनी पड़ती है भी हमने कितना टैक्स कलेक्ट किया हुआ है और जितना हमें डिपॉजिट करवाना है उसकी अमाउंट हमें इस टैक्स इन्फॉर्मेशन की विंडो के आगे जो ऑप्शन आ रहा है कॉलम इसमें रखना पड़ेगा। अगर आपने लेट इंटरेस्ट जमा करवाया है तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, तो उसके साथ साथ आपको इसके इंटरेस्ट के कॉलम में भी जितना इंटरेस्ट बनता है
वो इंटरेस्ट भी आपके आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर केवल आपको उस टीडीएस की अमाउंट ही लिखनी है, इंटरेस्ट आपको अलग से शो करना है। आप विद इंटरेस्ट अगर डिपॉजिट करवा रहे हो तो विद टैक्स की जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो टैक्स में इंक्लूड ना करें, इंटरेस्ट के अमाउंट को अलग शो करें। और उसके बाद में जैसे हम करेंगे और उसके बाद में हम कन्फर्म पे जाएंगे, और जैसे कन्फर्म करेंगे तो हमारा जो चलान है वो ऑनलाइन डिपॉजिट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।